हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने गोल गप्पे बेचकर बनाई आईपीएल में अपनी जगह, अब बहन की कराई शादी। जनाब जी हाँ जनाब, भारतीय क्रिकेट जगत के उभरते हुए सितारे यानी कि यशस्वी जसवाल के लिए आज का दिन बेहद खुशी वाला है। आज उनकी बहन की शादी होने जा रही है। ये यशस्वी के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा। उत्तर प्रदेश के भदोही से सिर्फ 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने के सपने को लेकर मुंबई पहुंचे यशस्वी जसवाल यहाँ आकर एक डेयरी फार्म में भी रहे। उन्होंने 3 साल अपना जीवन चाचा के साथ एक छोटे से कमरे में गुजारा। गरीबी का यह आलम था कि कभी कभी उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता था। पेट की भूख मिटाने के लिए उन्होंने सड़कों पर गोलगप्पे तक बेचकर और बॉल बॉय के रूप में भी काम किया है। जनाब बाएं हाथ के इस्लामी बल्लेबाज उस समय सुर्खियों में आए जब उन्हें वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने का कारनामा किया। इसके बाद उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। दक्षिण अफ्रीका में हुए इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक की बदौलत 400 रन बनाए थे। उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी चुना गया। हालांकि फाइनल में भारत को बांग्लादेश के हाथों 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 19 क्रिकेट में धमाल मचाने वाले यशस्वी पर सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजर थी। आईपीएल 2020 की नीलामी में उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था, लेकिन यह बल्लेबाज 2.4 करोड़ में बिका। यशस्वाल को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा। हालांकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और वह सीजन के पहले 3 मैचों में सिर्फ 40 ही रन बना सके। इसके बाद उन्होंने आईपीएल के बाकी सीजन में बेंच पर उनको बैठना पड़ा। तो जनाब मुंबई के लिए हाल में ही प्रैक्टिस मैचों में धमाल मचाने वाले यशस्वाल को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। उन्हें इस T20 टूर्नामेंट में मुंबई की टीम के सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारा गया है। तो यह यशस्वी जसवाल की एक छोटी सी स्टोरी, किस तरीके से इस क्रिकेटर ने गोलगप्पे बेचकर अपनी आईपीएल में बनाई जगह और अपनी बहन की कराई शादी। जनाब तो आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जनाब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।